अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। जी व्यूअर्स, इस दुआ के साथ करती हूँ अपने ब्लॉग का आगाज़। और अभी जो है ना, मैं अपनी लाइफ स्टोरी जिसने मैंने आपके साथ कल भी शेयर की थी, मैं अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि जब मम्मा की डेथ के बाद मेरी शादी हुई, तो जो मेरे हस्बैंड है वो मैंने आपको बताया था अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जट फैमिली से। उनकी फैमिली वालों ने उन्होंने जो ना वो छोड़ दिए, वो कहते हैं कि हम जो है इसे एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। वैसे उन्होंने बोला कि आप यहाँ नहीं आओगे क्योंकि आपने इससे शादी कर ली है, क्योंकि हम जो है और फैमिली हैं और वो जो और फैमिली से हैं, वो रिच फैमिली से हैं, हम लोग पुअर फैमिली से। सिंपली फ़र्क जो मैं आपको बता देती हूँ वो ये है। तो काफ़ी हालात बुरे हो गए थे, कोई काम नहीं था करने वाला, घर चलाना बहुत मुश्किल था। उसके बाद जो है ना, एक प्राइवेट जॉब मिली थी मुझे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहीं पर उन्होंने मुझे जो है ना वो काम सिखाया, वहीं पर फिर मैं लग गई। तो कुछ अरसे के बाद जो है ना, मेरे ससुराल वालों की तरफ से नोक टोक होनी स्टार्ट हो गई थी कि ये हॉस्पिटल में काम करती है, हॉस्पिटल वाले ऐसी होती हैं, हॉस्पिटल वाली वैसी होती हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम काम छोड़ दो, ये इनकी बातें सुनने से बेहतर है कि हम काम छोड़ दें। तो फिर मैंने काम छोड़ दिया। इनका जो है ना वो भी पहले जब फैमिली के साथ था, जब प्रॉपर्टी का काम करते थे, तो जब उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने बिल्कुल कंगाल करके छोड़ा कि एक रुपया पैसा हाथ में नहीं दिया। तो हालात बहुत बुरे थे क्योंकि मजदूरी कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। आपको पता मजदूरदार बंदे के लिए घर कितनी मुश्किल है कि जब मजदूरी मिले तब घर चल सकता है, ना मिले तो घर चलाना मुश्किल है। और जैसे जैसे हालात गुजरते गए, टाइम गुजरता गया, मतलब उन्होंने जो है ना पहले तो देखना भी पसंद नहीं करते थे, फिर चले आहिस्ता आहिस्ता जो है ना थोड़ा थोड़ा करके वो बात करना शुरू हुए। जब मेरे बेटे की पैदाइश हुई ना, मेरे बेटे की पैदाइश मेरी शादी के 3 साल बाद हुई है, मेरे बेटे की पैदाइश के बाद जो है ना जो पहली चीज़ है वो मेरे ससुराल वालों की तरफ से शहद आई थी, उसको चटाने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो उनके घर से कुछ तो आया ना, तो बहुत ही खुश थे। बस एक वो माइंड सेटअप सा होता है ना कि वो एक अजीब सी कैफियत वो उधर थी, अगर लड़की हुई तो हम क्या करेंगे, हमारी लड़की तो वो दूसरे इलाके में रुल जाएगी, ये होगा। तो बहुत परेशानी थी हमद की जब बर्थ हुई उससे पहले। तो जब बर्थ हो गई तो उन्हें बताया कि बेटा हुआ, तो बहुत खुश हुए। वो मतलब जो है ना अहमद के चाचू भी बहुत खुश थे, अहमद के बाबा जानी खुश तो थे लेकिन हमें शो नहीं करते थे। तो बाकी जो है ना वो मम्मा जो है अहमद के दादू हैं जो, वो भी बहुत खुश थी, बहुत अच्छा लगता था हालात। बाकी वक्त के साथ साथ आपको पता, जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो लोगों की नोके टोके जो है वो भी साथ ही रहती हैं। वक्त के साथ वो ये नहीं कहते कि चले पुरानी बातों को छोड़।